ऐसा क्या झोंक से आलम है कि कोई सरकारी अफसर यहाँ टिकता नहीं? यूँ समझ लो कि तुम एक जालिम बादशाह की सल्तनत में आ गए। ये जुल्म नहीं, रहम है तनी बख्श। खुदा ने हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा किया। झोंक से आल के मर्द और जवानों, और लाओ ये नूरी का दुपट्टा, चूड़ियां तुम्हें तुम्हारी औरतें पहना देंगी। ये मुझे दे दे, तेरे हाथ में गुलामी का कड़ाई जचता है। झोंक सरकार 6 जून से मंगल शब 8 बजे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वक्त आने पर, सही वक्त आने पर एक दूसरे से शादी कर देंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? समीना अपनी आंखें खोलो इससे पहले कि तुम्हारी बेटी कुछ और करे, क्योंकि इस जैसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। संभाल कर रखो अपने बेटे को फायका, उस जैसे को तो मैं जूबी के सर से वार के फेंक दूं। साइन, बचपन खत्म हो गया और बचपन की आदतें भी खत्म। आज के बाद तुम मुझे यहाँ जूबी के आसपास भी नजर आए ना, तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं हो। करियर वरियर तो बनता रहेगा। अच्छा, चलो शादी करते। पागल हो क्या? तुम्हें देख के हो गया हूँ। अच्छा मिस्टर साइन, पागलों की जगह मेंटल हॉस्पिटल में, जूबी के दिल में नहीं। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही थी? मैं इस तरह फंक्शन छोड़कर तुम अचानक ऊपर आ गई, तो मैं बस परेशान हो गया। मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी। फंक्शन खत्म होने के करीब है और तुम अब चूड़ियाँ पहनने आई? मेरा एक डांस सीक्वेंस था, उसमें मेरा एक चूड़ियों वाला स्टेप था, उसमें मैंने अपनी कलाई देखी खाली थी, तो मैंने कहा मैं भाग के ऊपर से पहना। क्यों, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत। दानियाल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में दानियाल भाई को भूल गया है कि वो कल के होने वाले दूल्हा है, और घर में आगे पीछे ऐसे फिर रहे हैं, किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? जाए यहाँ से, जाए। शर्म आ गए। चूड़ियाँ नहीं, मोहब्बत के रंग टूट कर बिखर भी जाएंगी, कि मेरी मोहब्बत के रंग तुम्हें हमेशा अपने साथ रखे। जूबी, क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? अकेले अकेले क्यों हंस रही हो? मुझे भी बताओ कौन याद आ गया? वो बड़ी खाला जो सीढ़ियों से गिरने वाली थी ना, वही सोच के हंसी आ रही थी। हो, किसी के गिरने पर हंसते हैं? हाँ, दूसरों के गिरने पे तो हंसी आती है ना, अपने गिरने पे शर्मिंदगी होती है। तुम भी ना। अच्छा छोटी खाला क्यों नहीं आई? पता नहीं, उनकी जॉब है ना बैंक में, शायद छुट्टी ना मिली हो। वो तो वैसे भी नहीं आती कहीं। यार जूबी, इस तरह पिन निकाल दो। तुम तो कल पर आई हो जाओगी। तो क्या हुआ,
पर आई हो कि मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, यहीं रहूँगी तुम्हारे पास। ऐसे नहीं होता, जब रिश्ते बदलते हैं ना तब जज्बात भी बदल जाते हैं, और मैंने देख लिया दानियाल भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। अब कैसे पता चल गया तुम्हें? देखा नहीं वो तुम्हारे लिए कितने सारे तोहफे लेकर आए और इतनी मोहब्बत से लेकर आए, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत प्यार से सिर्फ आपका सोच के वो खरीदा हो। अच्छा, मोहब्बत कुछ चीजों में तोल रही हो? नहीं पागल, लेकिन अच्छा लगता है ना कोई आपके लिए गिफ्ट खरीदे। तुम्हें किसने गिफ्ट दिए हैं? मुझे कौन देगा, एक साइम था वो शिरकत ही नहीं कर रहा शादी में। जूबी, उसको तुम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अच्छा, तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलग हैं। हमारे रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते। और सुनो, देखो इतना अच्छा माहौल है, प्लीज कुछ लेक्चर देके मेरा मूड नहीं खराब करना। तुम्हें फिर भूख लगी? उस वक्त थोड़ी खाया था। तो इतना लेट खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए थोड़ी है, रुशना ने भी तो खाना है। उसको तो तुम रहने दो, जल्दी सोएगी तो सुबह फ्रेश उठेगी ना। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे अब्बू के लिए ग्रीन टी बनाने आई हूँ, उनका बीपी कुछ गड़बड़ कर रहा है। टेंशन ले रही होंगे ना? किस बात की? यही कि बेटा नहीं है, बेटा होता तो शादी का बोझ उठाता। वो इस तरह की बातें नहीं करते। करते नहीं है लेकिन सोचते तो होंगे ना अम्मी। लेकिन आप देखिएगा, मैं बेटों से ज्यादा बढ़ के दिखाऊंगी। तुम अच्छी बेटी बन जाओ, इतना ही बहुत काफी। वो मैं ऑलरेडी हूँ। अब्बू, तुम जा गए हो? हाँ, लेकिन आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटी ने आके आज पूछ लिया, ठीक हो गई तबीयत। अब बात इधर उधर नहीं करें और मुझे ये बताएं कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? इसलिए कि मैंने सोच लिया है कि जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती, मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिल रहा, किसी हॉस्पिटल नहीं जा रहा। और अगर ना बन सकी फिर? ऐसे कैसे जी बेटा जी, मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेगी तू? अच्छा अब आप आराम करें, रेस्ट करें और सो जाइएगा, ठीक है? ठीक है। शब बख़ैर। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। कितनी प्यारी आंख है तुम्हारी, जैसे हजारों कंदीले में जल रही हो, जैसे सारे जुगनुओं की रोशनी चुरा ली हो। सोई नहीं अभी तक? बेचैनी सी हो रही है कुछ। क्या हुआ? प्राइम साइम मुझसे बात तक नहीं करता, जब मैं खाना बनाती हूँ वो भी नहीं खाता। नाजमा का पका कच्चा खाना खा लेता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक लड़की की खातिर वो अपनी माँ से ये सलूक करेगा। देख रहा हूँ मैं, कभी कभी इतना गुस्सा आता है उस पर।
कहने से पहले रोक लेता हूँ अपने आप को, पता नहीं वो क्या कह देगा आगे से। हम माँ बाप हैं और औलाद से डर रहे हैं। सारी आसाइशें दी है उसे, इतना प्यार किया उससे, शायद तरबियत में कुछ कमी रह गई है। आ जा रही? देखने जा रही हूं उसे। चुपके चुपके दुनिया से छुपके मैं देखूं जब तेरे कानों के। कहाँ गुम हो गई थी? पता नहीं कहाँ गुम ये तुमने खाए? तुम्हारे बगैर इतना टेस्टी बारबेक्यू खा लेती मैं? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हैव अ बाइट, कम। देयर वी गो। मुस्कुराने लगे सुबह से। वेलकम, कम पूरा। तुझे रब से मांगे और दुनिया से छुपाने लगे। हेलो, डैनियल बटन हो रही है। तुम्हें मैंने मना किया था ना उससे नहीं मिलना। यहां से चले जाओ सैंक। अच्छा चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसे जाओ यहां से। अरे भाई चलो यहां से। डैनियल भाई इसकी कोई गलती नहीं, मैं ही बुला के लाया था। सू प्लीज डैनियल भाई, उसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। पागल तुम क्या नशा पीकर सो रही हो? संभालो अपनी इस बेशरम लड़की को। क्या हुआ है दानियाल? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? तुम्हारी नाक के नीचे ये लड़की क्या क्या हरकतें करती फिर रही है तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है या नहीं? कल उसकी माँ यहाँ आकर हंगामा करके गई थी और आज वो मुझे ही कॉल करके कह रही है कि संभाले अपनी इस बेशरम लड़की को। नहीं लेकिन हमारे घर की औरतों ने तो आंख और कान दोनों बंद करके रखे। प्लीज तहमुल से काम ले। तो मिली भी उन्हें इसके साथ? सब पता है तुम्हें। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता। और तुम दानियाल, दानियाल प्लीज रुके। तुम्हें कहा था ना प्लीज। क्या लगता है वो तुम्हारा जो तुम आधी रात को उसके साथ बालकनी में खड़ी हुई थी? दानियाल प्लीज, खुदा का वास्ता है, घर मेहमानों से भरा हुआ है। तो ये बात इसे नजर नहीं आ रही कि घर मेहमानों से भरा हुआ है? अगर मेरी जगह वो मंजर कोई और देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारे घर की? दानियाल नहीं, मैं भी जाकर चाचू और चाची को सब कुछ बता। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ प्लीज, कल का दिन गुजर जाने दे। जब सब चले जाए फिर आपकी जो जी मैं कीजिएगा, अम्मी अबू की इज्जत रह जाएगी। या तो ये लड़की मेरे हाथ से मरेगी या तो ये उसे मरवाएगी। ऐसा नहीं करें। और तुम्हें मैंने मना किया था ना इस टाइम मुझे तुम्हारे आस पास भी नजर ना आए। एक बार की बात समझ नहीं आती तुम्हें? बोलो। तुम्हारे साथ जो मर्जी करे
बचपन की भी हद होती है साइम। वो इंसान तुम्हें बार बार जान से मारने की धमकियां दे चुके हैं और तुम फिर उसके सामने जाओ। समझ ही नहीं रहे आप लोग। बेटा तुम नहीं समझ रहे, मेहमानों से भरा हुआ घर है, तुम वहां जाके हंगामा करोगे, अपने हाथों से लड़की की बेइज्जती करोगे, समझ में आ रही कुछ? क्या करूं मैं, क्या करूं? पहले अपने आप को संभालो। जुबे के सामने नहीं होगा, वो बेवकूफ नहीं है कि अपने मेहमानों के सामने अपनी बेटी को बेइज्जत करे। तुम्हें क्या जरूरत थी यार, आधी रात को उसके घर जाने के दिन में नहीं मिल सकते तुम? ये सब मामा की वजह से है ना, आप उनके घर जाकर इतना बड़ा हंगामा करती, ना वो गुस्से में आते, ना मेरा उस घर में जाना बंद होता और ना मैं आधी रात को उससे मिलने जाती। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। शाबाश बेटा शाबाश। प्लीज सब मेरी गलती है, अपना कसूर नहीं मानेगा। मेरी वजह से तुम्हारा फंक्शन खराब हो गया। से बात करने की जरूरत नहीं। रीडी सॉरी, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। और तुम वहां क्या करने गई थी? मैं सिर्फ उसे खाना देने गई थी, आई स्वेयर। क्यों, उसके घर पे खाना नहीं मिलता? आई एम सॉरी रुशना, गलती हो गई मेरे से। सुबी तुम्हें अंदाजा भी है कि आगे क्या होने वाला है? तुम्हारी ये हरकत सिर्फ तुम्हारी नहीं सबकी खुशियों को दांव पे लगा देगी। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरा कसूर यह है कि मैं तुम्हारी बहन हूं और दानियाल तुम्हारे हर फेल में मुझे जिम्मेदार ठहराता। तुम उनको प्यार से समझा के देखो, शायद वो समझ जाए। प्यार प्यार प्यार, सूबी जिंदगी में हर चीज प्यार नहीं होती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और माँ बाप की इज्जत भी कोई चीज होती है। लेकिन ये मैं किससे कह रही हूँ? सुबी, इस मामले की संगीनी को समझो। आयका आंटी नहीं चाहती कि उनके बेटे से तुम कोई भी ताल्लुक रखो। रोशना अपने शादी वाले दिन तो मूड नहीं खराब करो, तुम क्यों अपनी खुशी खराब कर रही हो? खुशी की बात कर रही हो जूबी? दानियाल जो तूफान ढाने वाला है ना, उसका सोचकर मेरा दिल अभी से कांप रहा है। मैं शादी के दिन अपनी बहन की बेवकूफियों का बोझ उठा रही हूँ मैं। अच्छा मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिससे तुम्हारी खुशी वापस आ जाए। तुम वैसे ही बहुत कुछ कर चुकी हो, फिलहाल मेरे साथ पार्लर चलो। नहीं मुझे पार्लर नहीं जाना, मैं घर पर तैयार होंगी। तुम्हें मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती, साथ ही चलना होगा तुम्हें मेरे। अरे तुम लोग अभी तक निकली नहीं पार्लर के लिए, इतनी देर हो गई है। बस जा रहे हैं अम्मी। और इस निकम्मी लड़की को देखो, यहाँ खड़ी है, इतना नहीं कि बहन को नाश्ता ही करवा दे। तो आप बख्शो चाचा के हाथ भिजवा देती। शाबाश, बहन की शादी है, कोई हाथ पैर हिला लो। तुम्हारी फिक्र करूं या नीचे मेहमानों की? जाओ जाके नाश्ता लेके आओ उसके लिए। अम्मी मुझे नहीं खाना। वो नहीं खा रही। क्या बात है, तुम में नींद नहीं आई रात को? इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो? जी अम्मी सो नहीं सकी थी ठीक से। और तुम अभी यहीं की यहीं खड़ी हो? मुझे ये बताएं कि दानियाल भाई तो घर पे नहीं है कहीं? नहीं, 100 काम है दानियाल को, उसे इस घर का बेटा भी बनना है और दामाद भी। रुशना क्या बात है, क्या टेंशन है कोई? नहीं कोई टेंशन नहीं है अम्मी। कोई टेंशन लेनी भी नहीं है, मेरी बेटी बहुत लकी है, दानियाल अच्छा लड़का है, बहुत खुश रहोगी तुम इंशाल्लाह। और अब जल्दी से ये चीजें उठाओ, पैक करो, कोई चीज भूल ना जाना। चलो जल्दी शाबाश, निकलो पार्लर के लिए। हाँ हेलो।
तुम ठीक तो हो? दानियल भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? क्यों हमारी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो सायम? रोशना मैंने बस कर दो भाई, जूबी को गलत रास्ते पर चलाना छोड़ दो। तुम तो लड़के हो, कुछ भी करके पाक साफ ही कहलाओगे। अगर वो बदनाम होगी ना तो कहीं की नहीं रहेगी वो। रोशना पे ऐसी बातें क्यों कर रही है? हम शादी करेंगे एक दूसरे से। मुमकिन नहीं है। क्यों? अपनी अम्मी से पूछो, यहाँ कर इतना तमाशा किया था, उतनी बातें सुनाई थी, अब घर वाले तुम्हारे नाम भी सुनाने चाहते हैं। अरे उनसे गलती हो गई। सायम तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि वो जूबी को नापसंद करती हैं, नफरत करती हैं उससे? ऐसी कोई बात नहीं है, वो जूबी को बिल्कुल नापसंद नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता ना तो वो तुम दोनों को डांट लेती, मार भी लेती, लेकिन दानियाल को कॉल ना करती। सायम अब एक बात समझ लो कि ये दोनों खानदान कभी एक नहीं हो सकते, तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, और प्लीज जूबी का पीछा छोड़ दो। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चुप करो यार। तो पहले दिन से नजर रखी होती, हालात इतने खराब ना होते। को एजुकेशन में पढ़ा है सारी जिंदगी, पता नहीं कितनी लड़कियों से दोस्ती है उसकी, मुझे क्या पता था कि इसके पीछे पागल हो जाएगा। मामा आपने दानियल भाई से फोन पे क्या बात की है? जिसने तुम्हें कॉल का बताया था उसने नहीं बताया कि क्या कहा था। देख रहे हैं आप किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे? This is unbelievable. आप मेरी माँ या मेरी दुश्मन है आप? साइम, ये माँ से किस तरह बात करे तो? माफी मांगो। माफी ये मांगेगी जूबिया से और उसकी फैमिली से भी। साइम। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ले जाकर डाल दो माँ को उनके कदमों में। ये हैसियत है ना माँ की तुम्हारी नजर में। बिल्कुल सही कहा था मैंने, नहीं है वो लड़की इस काबिल। हाँ मैंने कहा था कि बालकनी में जाकर अपनी बहन की हरकतें देखे। फायका बोलने दे मुझे, हम डर डर कर इसका मुंह देखते हैं। क्लौती औलाद है ना, इसे कभी कांटा नहीं चुभने दिया, इसकी खातिर नींदें हराम की हमने, इसकी नजर में ये हैसियत है माँ की। दिस इज व्हाट ही थिंक्स ऑफ अस। खड़े क्या कर रही, जाओ। Sayem, please go. I'm leaving. जल्दी जल्दी फूल लेके जाओ, दुल्हन की गाड़ी आने वाली है। अरे तुम कहाँ जा रही हो अब साली, नंद बन जाओ। साजिद आंटी ने कहा है कि दुल्हन का शानदार इस्तकबाल करना है। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम लोग अरेंजमेंट करो, मैं जल्दी से आ रही हूँ। हेलो सायम। सो तुम ठीक तो? दानियल भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन पता नहीं फंक्शन खत्म होने के बाद क्या करेंगे। मुझे तो लगता है फोन भी ले लेंगे, इसलिए मैंने कहा मैं जल्दी से तुम्हें फोन करूं। हां अभी काफी बातें सुना के गई हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी है। साइमन ने तुम्हारे से नहीं मेरे साथ दुश्मनी है। दानियाल भाई, उन्होंने दानियाल भाई को सब कुछ बता दिया। मिलना तो दूर की बात, मुझे लगता है हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखने देंगे। कोई नहीं रोक सकता, यू जस्ट तुम ना टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। साइम तुम मेरे साथ हो तो मैं क्यों घबरा हूँ? That's what I'm talking about. साइम गाड़ी आ गई, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। गाड़ी आ गई है, आ जाओ जल्दी से। क्या जरूरत थी तुम्हें चिल्लाने की? कोई फायदा हुआ? और क्या करती? आपने देखा बात कैसे करता? माँ की तबीयत कैसी है अभी? कैसी होगी तबीयत?
माँ से इस तरह बात करते जैसे कि माँ नहीं कोई खैर। इधर आओ साहब। क्यों परेशान कर यार? बस यही समझा रहे ना कि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है, बजाय इसके तुम मामला मजीद बिगाड़ो। थोड़ा सा कंट्रोल करो यार, पीछे हट जाओ, अपना ध्यान बटा दो, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। कॉलेज, दोस्त, गलत चीज, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। I'll be fine. मेरा बेटा प्यार की जुबान समझता है, इंटेलिजेंट भी समझ रहे। मुझे जुबिया से शादी करनी है। ये समझाया आपने? आप प्रपोजल लेकर जाएं, मंगनी करा दे, बाकी शादी तो बाद में होती रहेगी। तुम्हारी उम्र है मंगनी की? वो बहुत सही कह रहा है, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दे पहले। अब मंगनी करा दे, उनके जहन में जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। वो लोग समझते कि मैं जुबिया के साथ सीरियस नहीं हूँ। उस घर में रिश्ता लेके जाऊं जहां से तुम्हें धक्के दे के बाहर निकाला है? जिस लड़की की माँ ने कहा है कि तुम जैसे 10 लड़के वो उसके सर से बाल। मुझे घर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल है तो थोड़ी हमारी इज्जत का ख्याल रख लो। तो आप लोग रिश्ता करा दे, सबकी इज्जत महफूज। हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो वहाँ तो वो कबूल करने के लिए बैठे हुए है ना। आप जाएंगे तब ना, लेकिन आप लोग तो ये चाहते नहीं हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, नहीं चाहती, नहीं चाहती कि मैं उस घर में रिश्ता करूँ तुम्हारा। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना तो ये शादी के फैसले करते रहना। लोग अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। हम नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। क्या कर लोगे? जो जी में आएगा ना कर लो। ठीक है, बाकी ये लड़का ना प्यार की जुबान के काबिल ही नहीं। जी। नहीं, आप प्लीज मेरे फादर से बात करें। हाँ जी। मैं भी कितनी खुशकिस्मत हूं ना कि मेरी बेटी रुखसत होकर भी जुदा नहीं हुई मुझसे। माशाल्लाह। दानियाल बेटे, तुम उधर क्या कर रहे हो? आओ यहाँ आके दुल्हन के पास बैठो। जूबी, पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आओ, बाकी की रस्में करो। प्लीज बस कर दें, अभी कोई कसर रह गई है जो यहाँ पर भी रस्में करनी है आपको? क्यों ना करें भाई, हमारे घर की पहली शादी है। अम्मी प्लीज, बहुत हो गया यार। ये भी कोई बात हुई भला? बस कर दें आप, आप भी थक गया होगा ना। लड़की हो चलाओ आगे, शाबाश, आओ जल्दी से रस्में कर लो ना, जल्दी जल्दी आ जाओ, बहुत देर होगी। तुमने क्या सोचा? शादी की पहली रात तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोले। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है।
ये साइम और जूबी का क्या सीन चल रहा है? कोई सीन नहीं चल रहा। तो साइम की अम्मी को जूबी के साथ इतने इश्यूज क्यों? कोई भी औरत बगैर किसी वजह के इतनी घटिया बातें तो नहीं करती, और वजह मैं भी अपनी आंखों से देख चुका। शायद कोई गलतफहमी होगी मेरी तरफ। और जब मैंने जूबी को मना किया था कि वो साइम से नहीं मिलेगी, तो वो क्यों मिल रही है उसे? वो नादान है, समझ जाएगी। वो बचपन से साथ हैं, आना जाना रहा है। अब इस तरह अचानक से पाबंदियां लगाएंगे तो वो तस्लीम नहीं कर पाएंगे। तो उसे हमारे घर की इज्जत का जरा ख्याल नहीं? देखो रोशना, मैं इस मामले को टिपिकल अंदाज से डील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बात हमारे घर की इज्जत पर आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो बच्ची नहीं है, उसे ये बात समझनी होगी। तान्या, वो भी वकूफ नहीं है, प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी। कौन कहता है रिश्ते बदल जाएं तो जज्बे बदल जाते हैं। यहां तो अब भी मेरे सामने इस घर का बड़ा बेटा बैठा है। चलो हम अपनी नई जिंदगी को एक नए अंदाज से और नए अतराब के साथ स्टार्ट करें। मुझे आज भी याद है कि जब अम्मी ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की थी ना, तो तुमने फिरोजी कलर का दुपट्टा वो रखा। इब्राहिम, रात हो गई है, वो अभी तक घर नहीं आया है। नहीं आएगा, जब तक उसकी बात नहीं मानेंगे वो नहीं आएगा। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, कुछ दिन ख्वार होगा फिर वापस आ जाएगा। मैं ब्लैकमेल कर रहा है वो, मैं ब्लैकमेल नहीं होना। बैठने लगा ना, देखा ना। अच्छा, तेरी जो लव स्टोरी है ना, वो पूरी एक बॉलीवुड मूवी बनती जा रही है। क्या नाम देखे? साइमन ट्रबल या अरे अरे बास्टियन शादी की बातें कर रहा है, घर भी छोड़ दिया। बैड डिसीजन, घर छोड़ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैंने अभी जाके शादी करनी है? एक दफा एंगेजमेंट हो जाए तो मेरे नाम हो जाए, होती रहेगी शादी। अब तुम अपने घर वालों को कैसे राजी करोगे? मनाना तो पड़ेगा, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम, इट्स गोना बी अ टफ वन, करना तो पड़ेगा यार। पता नहीं क्या पता नहीं, मैं बहन कौन से जो बहन बात कर रहा है ना, चुप हो जाना सास। क्या पता नहीं, पता क्या होता तुझे? पता नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है ये सब। कुछ इतने में भी नहीं तुम्हें, तेरे को गलत लग रहा है। पॉइंट यार, तू चुप करके अपना खा। एक मिनट, मेरा कर रहे यार अजीब, तू इसको शह दे रहा है, चुप करके खा ना, फट ना। क्यों नहीं खा रहा? चलो, तुम क्या कह रहे हो साहिब? मैं बिल्कुल ठीक फैसला किया है। तुम हो कहाँ? दोस्त के घर हूँ, मुराद के घर। साहिब तुम्हें पता है ना तुमने कितना गलत किया घर छोड़ के? इस तरह फाइक आंटी मेरे और खिलाफ हो जाएंगी। और क्या होंगी, और अपना फैसला मनवाने का बस यही एक तरीका था मेरे पास। और तुम्हें लगता है कि इस तरह वो तुम्हारी बात मान जाएंगे? पेरेंट्स ना बहुत इमोशनल होते हैं, जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है ना उतनी जल्दी सरेंडर भी कर लेते। तुम ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि जब मेरा प्रपोजल आएगा तो तुम मेरा साथ दोगी ना? ऑफ कोर्स, यू नो आई एम विद यू ऑन दिस। तुमने उन्हें सिर्फ उन्हें ये कहना है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, बाकी डरने की जरूरत नहीं है।
Don't worry, I'll handle it, okay? I trust you, Saim. I know. Just keep on trusting. Saim, क्यों इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हो हमें? घर वापस आ जाओ. Start किसने किया? तो अब तो मुकाबला करोगे हमसे, वो भी एक पराई लड़की के लिए. वो मेरे लिए पराई नहीं है. तुम क्या समझते हो, हम रिश्ता लेके जाएंगे और वो फौरन कबूल कर लेंगे? तुम्हें पता है वो अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते. और फिर तुम्हारे पास है क्या? ये सब अम्मी बात की बातें हैं, आप हर चीज को पहले से फर्ज क्यों बना लेती है? साइम, तुम घर नहीं आओगे? नहीं, जब तक आप उनसे बात कर लेने की हामी नहीं भरेंगी तब तक मैं घर नहीं आऊंगा. मैं रख रहा हूँ बस फोन. साइम, एक रात बाहर है, उसे ठंडा हो गया, उसको तुम्हें तसल्ली हुई है? ब्राइन, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ कहाँ धक्के खा रहा है. खाने दो धक्के, धक्के खाएगा तो अकल आएगी ना उसे. यारों दोस्तों के अखबार होगा तो हमारी कदर होगी, मेरी जुबिया का भूत भी सबसे उतर जाएगा. चलो, सर्दी हो रही है.